चलिए क्वेश्चन नंबर 4 है कि जांच कीजिए कि क्या बिंदु जो हमारे पास दिया हुआ है 5, -2, 6, -4 और 7, -2 एक समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष है। पहले हम जान लेते हैं कि समद्विबाहु त्रिभुज क्या होता है। वैसा त्रिभुज जिसकी दो भुजा आपस में बराबर हो, क्या हो मतलब वैसा त्रिभुज जिसकी दो भुजा बराबर हो उसे हम समद्विबाहु त्रिभुज कहेंगे। ठीक है, तो मान लेते हैं हमारे पास जो है इसके शीर्ष है 5, -2, ए मान लेते हैं, बी और ये सी, ये हो गया हमारे पास 6, 4 और ये हमारा हो जाएगा 7, -2। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, एक एक करके इसकी भुजा की दूरी निकालेंगे। अगर कोई दो बराबर हो जाता है, कोई भी दो भुजा, तो हम बोल देंगे यह एक समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मान लिए ये हमारा क्या है जो दिया हुआ है ना, तो अब हम डायरेक्ट करते हैं, डायरेक्ट निकालते हैं ए बी। तो ए बी सॉल्व करते हैं, हल हल कर रहे हैं, ए बी हम निकालते हैं, ए बी दूरी बराबर हो जाएगा, ए बी दूरी बराबर होता है, पर फार्मूला लिख लेते हैं रूट अंडर x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, राइट। अब हम इसमें क्या करेंगे, फार्मूला के अकॉर्डिंग हम इसमें वैल्यू पुट करते हैं। x2 अगर हम a और ये b, ए बी के वैल्यू अकॉर्डिंग अगर हम चल रहे हैं तो ये हो जाएगा x2 6 हो जाएगा, माइनस 5 का होल स्क्वायर। ठीक है, फिर उसी प्रकार हो जाएगा हमारे पास यहाँ प्लस है, y2 हो जाएगा 4, यहाँ माइनस है और ये माइनस माइनस और ये माइनस 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 प्लस हो जाएगा, ये 2 का होल स्क्वायर, राइट। अब ध्यान देते हैं, ये हमारे पास घट के 1 आएगा, 1 का स्क्वायर प्लस ये दोनों क्या हो जाएगा, 4 × 2 = 6, 6 का स्क्वायर कितना 36, यानी 1 प्लस ये 36, तो हो जाएगा हमारे पास √37। ये हमारे पास ए बी का वैल्यू निकला। अब हम क्या करेंगे, बी सी निकालते हैं, ये बी सी, चलिए बी सी दूरी निकालते। ठीक है, बी सी फार्मूला हमारे पास वही है, इसी में हमें क्या करना है, वैल्यू पुट कर। जब हम बी सी निकालेंगे तो ये हो जाएगा 7 - 6 का होल स्क्वायर प्लस -2 - 4 का होल स्क्वायर, राइट। 7 में 6 गया, 1 का होल स्क्वायर, यहाँ हो जाएगा माइनस और ये माइनस 4 और 2 कितना हो गया, -6 का होल स्क्वायर हो जाएगा। अगर इसको किया जाए तो 1 का स्क्वायर 1 होता है प्लस 36, माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा, स्क्वायर है इस वजह से इसका वैल्यू हो जाएगा √37। तो देखो हम दो ए बी निकाले और बी सी निकाले, जिसके वजह से हमारे पास जो है डिस्टेंस क्या हो गया, सेम आ गया। तो हम क्या कर सकते हैं, ये समद्विबाहु त्रिभुज का शीर्ष है। चलो एक और निकाल लेते हैं, ए सी निकाल लेते हैं, ए सी दूरी निकालेंगे। तो ए सी दूरी फार्मूला तो हमारे पास वही है, ठीक है, तो ए और सी तो हो जाएगा 7 - 5 का होल स्क्वायर प्लस -2 - -2 का होल स्क्वायर रूट अंडर, ये माइनस करोगे तो 2 आएगा और इसको ये आ जाएगा हमारे पास 0 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये हमारे पास 0 हो गया, ये 2 × 2 = 4 हो गया, ठीक है, यानी कि ये 2 आया। क्या हम कह सकते हैं कि दिए गए बिंदु बिंदुएं सम देव बाहु समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है किसी कक्षा में 4 मित्र बिंदुओं ए बी सी और डी पर बैठे हुए हैं, जैसा कि आकृति में दर्शाया गया है। चंपा और चमेली कक्षा के अंदर आती है
और कुछ मिनट तक देखने के बाद चंपा चमेली से पूछती है, क्या तुम नहीं सोचती कि ए बी सी डी एक वर्ग है? चमेली इससे सहमत नहीं है। दूरी सूत्र का प्रयोग करके बताइए कि इनमें कौन सही है। राइट, तो हम क्या करेंगे, एक डायग्राम इसमें दे रखा है मेरे पास, तो उसी के अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, यहाँ बना लेंगे। ठीक है, तो ध्यान देना, यहाँ पर हमारे पास पहले निर्देशांक इसमें फाइंड करना होगा। यहाँ पर कितने भाग में डिवाइड किया हुआ है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। ठीक है, सेम उसी प्रकार इधर भी 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 एंड 10। ध्यान देना, देखो अगर इसको देखा जाए तो इस तरह से बनता है, बन रहा है। ये हमारा एक्स एक्सिस होता है, ये हमारा वाई एक्सिस होता है। अब हम करेंगे क्या, हमारे पास पहला दे रखा है ए 3, 4, यानी इधर से 3 पर, इधर से 4 पर, यानी पहला हमारे पास जो है ये है। अगर इसका निर्देशांक लिखा जाए तो हम पहले एक्स वाला लिखते हैं, यानी कि 3। अगर इसका निर्देशांक लिखा जाए तो ये हमारा हो जाएगा 3 कॉमा, क्या हो जाएगा, 3 एंड 4, ये हमारा निर्देशांक हो गया। ठीक है, सेम नेक्स्ट जो है हमारे पास है बी। बी हमारे पास दिया हुआ है 6 एंड 7, इधर से 6 और ऊपर से 7, ये हमारा निर्देशांक। ठीक है, इसको लिखना चाहे तो यहाँ इस तरह से लिख सकते हैं, ये हमारा ए है, ये हमारा बी है, इसके लिए हम लिख लेंगे 6 एंड 7। ठीक है, अब सी 9 एंड 4, 9 एंड 4, ये यहीं पर रहेगा, इसका निर्देशांक होगा 9 एंड 4। ठीक है, ये हमारा सी है। अब डी हमारे कहाँ है, 6 एंड 1, ये रहा 6 एंड 1, ये रहा इसका निर्देशांक 6 एंड 1। ठीक है, ये हमारा हो गया डी। और इस तरह से इसको मिला दिया जाए तो यही कह रहा है कि क्या यह एक वर्ग है। तो वर्ग होने का कंडीशन होता है, पहले हम ये बता देना चाहते हैं कि वर्ग होने का कंडीशन होता है, क्या होता है कि अगर ये वर्ग है तो वर्ग होगा तो आमने सामने की, यानी चारों भुजा आपस में बराबर हो, और इसके विकर्ण भी क्या होना चाहिए, दोनों विकर्ण बराबर होना चाहिए। यानी कि अगर ए बी सी डी है, यानी कि ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी बराबर ऐसी होना चाहिए, और विकर्ण, और क्या विकर्ण भी हमारे पास क्या होना चाहिए, बराबर होना, यानी कि AC बराबर BD। तो ये कंडीशन होता है, इसी के अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, फाइंड करेंगे। तो अब हम क्या करेंगे, एक रफ में एक बना लेते हैं, जैसे यहाँ पर बनाए थे, ध्यान देना है, एक वर्ग हमने रफ में बना लिया ए बी सी डी। ए बी सी डी, ए का निर्देशांक हमारे पास 3, 4, बी का निर्देशांक हो जाएगा 6 एंड 7। ठीक है, सी का निर्देशांक हो जाएगा 9, 4 एंड डी का निर्देशांक हो जाएगा 6, 1। अब हम क्या करेंगे, और ये हमारा विकर्ण हुआ। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम ए बी निकालेंगे। तो ए बी की दूरी, ए बी की दूरी क्या होता है, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, ये हमारा क्या फॉर्मूला है। ठीक है, अब ध्यान देना है, अब हम ए बी चल रहे हैं, ध्यान देना ये ए बी है, तो ए बी के अकॉर्डिंग हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे, 6 - 3 का होल स्क्वायर, इसमें माइनस है ही नहीं इसलिए झंझट इसमें खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए y2 7, इधर ये 4 y1 का होल स्क्वायर, 6 - 3 3 का होल स्क्वायर प्लस 6 7 - 4 यानी 3 का
होल स्क्वायर, ये हो जाएगा 3 * 9 प्लस 3 * 9, तो ये हो जाएगा हमारे पास कितना हो गया √18। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, ए बी निकल गया, अब निकाल लेते हैं बी सी निकाल लेते हैं, बी सी की दूरी, बी सी दूरी, ठीक है, फॉर्मूला हमारे पास ऊपर लिखा हुआ है, ठीक है, बी और सी, बी सी देख लेते हैं, 9 - 6 + 4 - 7 2। अब ध्यान देना है, 9 - 6 यानी कि 3 2 प्लस, ये घटाओगे तो 3 आएगा, माइनस का 3 आएगा, होल स्क्वायर, √9 + 9 = √18। अब हम क्या करेंगे, बी सी निकल गया, अब सी डी निकाल लेते हैं, सी डी दूरी बराबर हो जाएगा √CD 9 2 प्लस, ध्यान देना डी एंड वाई टू, अगर सी और डी है तो 1 - 4 2। ध्यान से लिखना है, इसको माइनस करोगे तो -3 आएगा, इसको करोगे तो -3 2 आएगा, √(-+) यानी कि 9 हो गया, +9 हो जाएगा, तो ये भी आ गया हमारे पास 18। अब हमें क्या करना है, AD निकालना है, क्या निकालना है, AD दूरी बराबर हो जाएगा √AD यानी कि 6 - 3 2 प्लस, एंड D लिया है 1 - 4 2 √6 - 3 3 2 यहाँ पर घट के +-3 2 कर लेना है, तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 9 हो गया +9 यानी √18। तो हम क्या देख रहे हैं कि ए बी, बी सी, सी डी एंड ए डी, ये चारों का चारों क्या है, भुजा आपस में क्या है, बराबर है, राइट, क्या है, बराबर है, तो इसका मतलब भुजा तो बराबर है। अब हमें क्या करना होगा, अब हमें विकर्ण निकाल, अगर विकर्ण आपस में बराबर हो जाएगा तो हम कह देंगे कि दिए गए जो ये जो आपस में जो बात कर रहे बच्चे लोग, इसका जो बहस हो रहा है वो हमारा एक्चुअली सही हो जाएगा कि हाँ ये सही में एक वर्ग ही है। तो चलिए विकर्ण निकालते हैं, विकर्ण की दूरी, ठीक है, रफ कर रहे हैं, यहां पर विकर्ण निकाल लेते हैं, ध्यान देना, विकर्ण, विकर्ण की दूरी, विकर्ण क्या हो जाएगा, एसी हो गया, तो हम एसी लिख लेंगे, एसी बराबर हो जाएगा हमारे पास, देखो एसी, तो √ दूरी सूत्र वही रहेगा, 9 - 3 2 प्लस, फिर हो जाएगा 4 - 4 2, ये हो जाएगा 9 - 6, घटाओगे 6 आएगा, 6 2 प्लस 0 2, राइट, तो ये हमारा आ जाएगा 36 यानी कि 6 आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे, बी डी निकाल लेंगे, बी डी, बी डी यानी कि 6, ये देखो 6 - 6 6 - 6, पहले ये आ गया 6 - 6 2 प्लस, अब आ जाएगा 1 - 7 2, तो क्या आ जाएगा, ये तो हो गया 0, 6 - 6 0 2 0, 1 - 7 कितना हो जाएगा, 1 - 7 हो जाएगा 6 2 बराबर हो जाएगा, ये घटाओगे 6 - 6 36 यानी कि 6 आ जाएगा। तो हम क्या करेंगे, ध्यान से देखो, विकर्ण भी आपस में क्या हो गया, बराबर हो गया, तो इसलिए हम लास्ट में लिख देंगे, लिखेंगे क्योंकि ए बी बराबर बी सी बराबर ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी बराबर ए डी और विकर्ण भी ए सी बराबर बी डी है, अतः यह एक क्या है, वर्ग है, इसलिए चंपा, चंपा बोल रही थी ना,
चंपा क्या, चंपा ठीक बोल रही है, राइट।